सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका ओला की एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बेंगलोर में अभी बारिश का मौसम चल रहा है और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, तो गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि एक बार इसको हाई प्रेशर के साथ धुलवा के देखते हैं कि मतलब हाँ, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आती है क्या नहीं आती है। तो यहाँ पे ये पर्सन पूछ रहा था कि स्पीकर पे भी पानी मार दो। मैंने कहा हाँ भाई, मार दे बिल्कुल, जहाँ जहाँ तेरे को जैसे वॉश करना है वैसे कर दे, बाकी नॉर्मल गाड़ियों की तरह। मतलब किसी तरह की कोई रहमी मत दिखाना कि मतलब हाँ ये इलेक्ट्रिक है तो इसको आराम से धोना है या कैसे धोना है। तो वीडियो आप देखिए, बंदा भाई पूरे जोरों शोरों से लगा हुआ था। इसका जो आई थिंक प्रेशर था वो 150 के अप्रोक्सीमेट था। मैंने इसको नीचे भी पानी मारने के लिए बोला था कि भाई एक बार मोटर के पास भी पानी मार दे और देख ले कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उन्होंने जो है वो मोटर के पास भी पानी मारा, तो भाई मोटर के पास भी बहुत सारा कीचड़ जो था वो जो इकट्ठा हुआ था। तो आप देखिए पूरी वीडियो अगर आप।
सो गाइस गाड़ी को तो भाई हाई प्रेशर से धो दिया, बट अब इसमें चेक करना है कि भाई हमारे जो फीचर्स वगैरह और जो फंक्शन वगैरह है, मतलब लाइक बटन्स वगैरह, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी रिस्क लेके मैंने उसको बोला भाई तेरे को जैसे धोना है वैसे धो दे। तो प्रेशर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई स्पीकर और बाकी चीज़ों में नहीं आना चाहिए, मतलब जो हाई प्रेशर है वो थोड़ा अवॉइड करो। बट आपने देखा ही वीडियो में कि उस बंदे ने भी भाई कोई रहमी तो नहीं दिखाई कि मतलब हाँ कैसे क्या है। तो देखते हैं बटन्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अभी तो मैंने स्क्रीन चालू रखी है, आई थिंक अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। वेट, डिस्प्ले फुल एंड ब्राइटनेस, तो टच तो अच्छी खासी काम कर रही है जैसे पहले काम करती थी। एक्चुअली ऊपर एक ग्लास लगा था तो वो निकल गया है, देख रहा हूँ कि कोई जो है उसका स्क्रीन का गार्ड रहे, तो कोई सजेस्ट करना कि कैसा है। ग्रुप में भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं, बट उसका जो स्क्रीन साइज़ पूरा वो आता नहीं है, तो इसीलिए उसको मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ अभी। और बटन्स वगैरह भी अच्छे खासे काम कर रहे हैं, देख ही रहे हो। और अभी तो भाई फीचर्स तो आए नहीं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं लोग। और ये लाइट्स का भी बटन अच्छे से काम कर रहा है, रिवर्स क्योंकि अभी चलेगा नहीं, इंडिकेटर भी अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब ऑल ओवर जो भी है हाई प्रेशर से इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। बट आप लोग थोड़ा अवॉइड ही करना हाई प्रेशर, क्योंकि मैं भी थोड़ा डर रहा था कि भाई कुछ हो जाएगा तो बाद में कंपनी तो क्लेम करती है कि मतलब हाँ ठीक है आपका हो जाएगा, बट भाई कौन वेट करेगा फिर से और इतना सारा प्रोसेस है। तो मोटर के पास भी उसने हाई प्रेशर से धोया है, बट कोई इतना कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। वायर थोड़ी डर लगता है थोड़ा चुनने में भाई, कोई करंट वगैरह ना ही हो जाए। तो मतलब ऑल ओवर जो वॉशिंग थी ठीक ठाक थी, 200 रुपीज़ ले लिया भाई ने। यहाँ पे थोड़ी वॉशिंग भी थोड़ी मैं कहूँगा कि प्राइस वाइज थोड़ी महंगी है, बट इतना कुछ खास किया भी नहीं उसने। तो इससे अच्छा आई थिंक घर पे ही कर सकते हैं वॉशिंग, इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एरिया में थोड़ा सस्ता है फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर घर पे ही कर सकते हैं। वैसे भी मैंने घर पे की थी तो सेम ऐसा ही था। तो नेक्स्ट टाइम से मैं जब घर पे वॉशिंग करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बना सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बैंगलोर में अकेला रहता तो दोनों साथ एक काम हो नहीं पाता। और मैंने ये मंगाया था इसकी वॉशिंग के लिए कि मतलब थोड़ा ये फाइबर का है, अच्छा रहता है और स्क्रैचेस नहीं आते गाड़ी पर। तो बस यही था आज की वीडियो में, आई होप थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगा और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिली हो कि मतलब हाँ हाई प्रेशर से क्या होता है क्या नहीं होता है।